लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू चेंज फॉन्ट कलर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहा हूं, जो अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है। और यदि आप डिफरेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो अपियरेंस होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो चलिए, हमारा पहला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि क्या ट्यूटोरियल है और इसमें आप कैसे बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई टेक्स्ट है और ये एक अभी फ़िलहाल ये ब्लैक कलर में है, और यदि आप चाहते हैं कि इसे डिफरेंट कलर में चेंज कर दिया जाए, या आपको डिफरेंट कलर में है और इसे ब्लैक कलर में लाना चाहते हैं, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए, जो हमारा जो पहला मेथड है कोई भी टेक्स्ट को चेंज करने का, तो आप जिस टेक्स्ट कैरेक्टर या सेंटेंस को चेंज करना उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आप देखेंगे कि एक बॉक्स अपीयर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बहुत सारी बातें बता रहा है, एक फ़ॉन्ट टाइप साइज, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बॉक्स है फ़ॉन्ट कलर। तो इसे आप एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आप जो वैरायटी ऑफ कलर्स है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये कलर चूज़ कर ले रहा हूँ। यदि आपको यहाँ से हटाना है तो आप फिर से इसे सेलेक्ट कीजिए और बैक, और यहाँ से आप ऑटोमेटिक कर लीजिएगा तो फिर बैक टू ब्लैक कलर में आ जाएगा। इसे आप डिफरेंट कलर में करना चाहते हैं तो फिर से आप जाइए और वहाँ पे फिर से आप डिफरेंट कलर चूज़ कर लीजिए। हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है कि आप इसे सेलेक्ट कीजिए और होम टैब में चले जाइए। फिलहाल हम लोग होम टैब में ही हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक फ़ॉन्ट ग्रुप है, और फ़ॉन्ट ग्रुप में सिमिलर काइंड ऑफ ऑप्शन यहाँ पे फिर से आप देख रहे हैं। तो यहाँ से आप फिर से आप ड्रॉप डाउन बॉक्स कीजिएगा तो सिमिलर काइंड ऑफ फीचर जो आपने पहले देखा था वैसा फिर से आप देखेंगे। और यहाँ पे आप कोई भी थीम कलर या स्टैंडर्ड कलर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी स्टैंडर्ड कलर चूज़ कर रहा हूँ, और आप देखेंगे कि ये फिर से बदल चुका है। जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कोई भी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने का, वो है फ़ॉन्ट बॉक्स के थ्रू, और वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा एक आइकन है, वो फ़ॉन्ट ग्रुप में ही है, आप इसे क्लिक कीजिए, या शॉर्टकट कंट्रोल डी भी है, इसे आप क्लिक करके वो बॉक्स खोल सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स यहाँ पे अपीयर हो चुका है, और इस अपीयर में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फ़ॉन्ट कलर है, और फ़ॉन्ट कलर में ऑटोमेटिक है सिलेक्टेड। यदि आपको डिफरेंट कलर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से हम फिर से एक थीम कलर में ही एक डिफरेंट कलर चूज़ कर ले रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका एक प्रीव्यू भी है। आपको ये पसंद है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, नहीं पसंद है तो आप चेंज कीजिए, और क्लिक ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है टेक्स्ट का कलर बदल चुका है। सिमिलरली, अब आपको बैक टू जाना है, आप यहीं से जाइए और ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ से बदल जाएगा। हमारे पास चौथा और आखिरी जो ऑप्शन है जिसमें हम बात करना चाहेंगे, यूजिंग सर्च बॉक्स। इमेजिन कीजिए कि आपके पास ये जो इतने भी ऑप्शन है वो आपको पता नहीं है, और आप एक सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पे फीचर है। तो आप ऐसा कीजिए कि इसे टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, और ऊपर में एक सर्च बॉक्स है, कभी कभी ये एक्टिवेटेड नहीं रहता है, तो अल्ट प्लस क्यू क्लिक करके भी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ फॉन्ट, और जैसे ही आप फॉन्ट टाइप कीजिएगा तो आपके पास जो मल्टीपल फॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन है वो वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। तो जो हमें इंटरेस्ट है फॉन्ट कलर में यहाँ पे दिख रहा है, तो इसे आप क्या कीजिए कि एक छोटा सा एरो आइकन है यहाँ पे, और इसे आप क्लिक कीजिएगा तो अभी फ़िलहाल देखिए कि ऑटोमेटिक हाईलाइटेड है, बिकॉज़ ये ऑटोमेटिक ही है। तो मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, एक डिफरेंट थीम कलर चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ मैंने चूज़ कर लिया, तो आप देखेंगे फिर से बदलाव आ चुका है। सिमिलरली, आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, डिफरेंट कलर में बदलना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फिर से मैं फ़ॉन्ट क्लिक कर रहा हूँ और फ़ॉन्ट कलर, और यदि ब्लैक करना तो ऑटोमेटिक कर दीजिए, यदि डिफरेंट कलर चूज़ करना है तो यहाँ से आप चूज़ करके इसे बदल सकते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे कि कलर एंट्री के क्या क्या मोड हैं उसके बारे में। तो आप फिलहाल से मैं क्या करता हूँ, सबको ऑटोमेटिक ब्लैक मोड में कर देता हूँ। आप यहाँ से जाइए और ऑटोमेटिक क्लिक करके ब्लैक कर दीजिए। तो इमेजिन कीजिए कि मैं इसे इसका चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ऑप्शन है कलर एंट्री का। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप यहाँ जाएंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक है जो ब्लैक है, दूसरा ऑप्शन थीम कलर है। इसमें आप देखेंगे कि एक ब्लैक कलर है और एक डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लैक्स हैं। ग्रीन कलर है और डिफरेंट शेड ऑफ ग्रीन कलर है यहाँ पे। सिमिलरली स्टैंडर्ड कलर है जो यहाँ पे 10 हैं और आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो मोर कलर्स का है। तो इसे आप जब क्लिक कीजिएगा तो एक बॉक्स अपीयर होगा यहाँ पे, और आप देखेंगे स्टैंडर्ड कलर है। इसमें डिफरेंट एक आइकन बना हुआ है, हेक्सागोनल आइकन बना हुआ है। इसे आप क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, आप जैसे ही क्लिक किए यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है कि करंट है जो ब्लैक है और न्यू है जो ऐसा दिख रहा है। आप फिर से चेंज करेंगे तो ये कलर चेंज हो गया है, और आप ओके कीजिएगा तो ये बदल जाएगा। सिमिलरली यदि आप और डिफरेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से देखेंगे कि जब कलर आपने चेंज किया तो रिसेंट कलर इसे दिखा रहा है जो आपका पिछला जो कलर था। आप यहाँ से क्लिक करके क्विकली कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं आपको एक डिफरेंट ऑप्शन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कस्टम में चले जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे तीन डिफरेंट कलर इनपुट का तरीका है। पहला है कि हेक्सा कोड, यदि आपको हेक्सा डेसिमल कोड कलर का पता है तो आप पेस्ट करके इसे आप बदल सकते हैं। तो मैं एक हेक्सा कोड डाल रहा हूँ जो एक ब्लू कलर का वेरिएंट का कोड है। तो इसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट कलर में आ गया है। अब इसको हम डिफरेंट RGB और HSL कोड एंट्री करके भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से आप सेलेक्ट कीजिए इसे, और सेलेक्ट करने के बाद मोर कलर्स और कस्टम RGB, और इसका आपको RGB क्यूवेलेंट नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो मुझे फ़िलहाल पता है, और मैं इसे सिर्फ यहाँ पे डाल रहा हूँ। आपको यदि RGB कोड पता है और हेक्साडेसिमल कोड नहीं पता है तो आप RGB कोड डाल के भी ये कलर चेंज कर सकते हैं। तो 63 और 145, आप जैसे ही इसे क्लिक कीजिएगा तो आप देखेंगे कि ये जो टेक्स्ट है और ये जो टेक्स्ट दोनों सिमिलर है। अब सिमिलरली इसी कलर को मैं HSL कोड के थ्रू हम एंट्री करना चाह रहे हैं तो फिर से आप इसे सेलेक्ट कीजिए, मोर कलर्स, कस्टम और RGB की जगह आप क्या कीजिए कि आप फिर से यहाँ पे HSL ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लीजिए, और इसका जो है 155, 155, 204 और 81 इसका HSL कोड है। तो इसे आप ओके कीजिएगा तो देखेंगे फिर से ऑटोमेटिकली बदल गया है। तो ये जो कलर एंट्री है, कलर का जो ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे। आप RGB, हेक्सा डेसिमल कोड, हेक्सा कोड या HSL कोड यूटिलाइज करके भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कलर चेंज कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको फॉन्ट कलर चेंज करने में ये वीडियो मदद किया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।